सर्दियों के आने का हम सभी इंतज़ार करते हैं। उसका कारण ये है कि एक तो मौसम सुहाना होता है, दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि अच्छी सेहत का इंतज़ार। सर्दियों के मौसम में अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर बहुत जल्दी अच्छी सेहत को प्राप्त करेगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है इस समय में एक्सेप्ट करता है हर न्यूट्रिएंट्स को, और जिसकी उसके शरीर में कमी है उस चीज़ का अगर सेवन किया जाए तो भरपूर मात्रा में नेचुरल सोर्सेज से हमारे शरीर में उसकी कमी पूरी हो जाती है। इन सर्दियों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स की घर में भरमार हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ भरमार टेबल पे सजने के लिए नहीं होनी चाहिए। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे शरीर में जो गर्मी है उसको देते हैं, साथ साथ हमारे को पूरी एनर्जी भी देते हैं। तो जो खास ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें पिस्ता है, काजू है, बादाम है, इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। एक तो ये जो बहुत गलत भ्रांति है कि बादाम खाने से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बादाम खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी हाई नहीं होता, तो बादाम का सेवन करें। साथ में काजू और पिस्ते का सेवन अगर थोड़ी मात्रा में किया जाए, अगर ब्रेकफास्ट के समय एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स टोटल खा लिए जाएं तो सारे दिन के लिए वो पूरी एनर्जी भी देते हैं और शरीर को ताकत भी देते हैं, ख़ास तौर पे कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं। तो पिस्ते का और काजू का सेवन भी आप करें तो आपका दिल भी अच्छा रहेगा और शरीर भी मजबूत रहेगा। तो इन सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें और स्वस्थ रहें।